Assalamu alaikum, dear students. Uh, I am your teacher Rajata here, teacher government UPS Valramazoon Mawar. I am uh, interacting with you uh, through virtual mode as uh, I am uh, uh, operating the classwork from my home. I have converted my uh, uh, room into uh, a classroom as we have been uh, directed uh, uh, for the same by our higher, higher authorities in order to avoid any sort of contacts. Uh, in, uh, in order to, uh, to avoid any contamination with the current uh, deadly virus, that's coronavirus, uh, I hope you will utilize this facility and uh, you will get benefited uh, from this classwork uh, virtual mood so today uh, this is a uh, class 6th uh, uh, subject will uh, remain the same that is science and topic is uh, a different topic today we have to start a new chapter today that is uh, fiber to fabric today is 30th of april 2021 and uh, today we will start a new a new topic uh, that is a fiber to fabric fiber to fabric just before uh, coming to the uh, given topic uh, i will uh, Try to explain you what is fiber. Uh, आपने देखा होगा कि आपके घर में काफ़ी सारे कपड़े होते हैं जैसे आप फेरन पहनते हैं बनियान पहनते हैं स्वेटर वगैरह या ये पैंट शर्ट या आप ब्लैंकेट्स का इस्तेमाल करते हैं या ये रज़ाई वगैरह या आपके घर में ये कुछ ये जो मैटिंग वगैरह भी होती है तो ये किस मटीरियल के बने हुए होते हैं तो इस अभी मैं आपको कुछ डेमो दिखाऊंगा तो यहाँ पे ये एक, एक हैंड टॉवल मेरे हाथ में है ये आप देखेंगे हम पहले फाइबर देखेंगे ये फाइबर क्या होता है तो ये भी इस फाइबर का ही बना हुआ होता है ये तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि ये फाइबर क्या होता है तो जैसे आप देखेंगे इस हैंड टॉवल जो है मेरे हाथ में है जस्ट आई विल ट्राई टू होल्ड दिस एक तो जस्ट मिनट या। या। आप देखेंगे जो हैंड टॉवल मैंने यहाँ कील के साथ लटकाई है आप देखेंगे कि इसके छोटे छोटे जो रेशियो से बनी हुई है ये देखिए ये जो छोटे छोटे है फिर ये तो दागा है ये भी छोटे छोटे इस रेशियो से बना है ये देखिए जस्ट जस्सी तो ये एक है तो दूसरा मेरे हाथ में ये मास्क है विच इज नीड ऑफ द आवर जो आज हमें काफी इसका इस्तेमाल करना है कोरोना से बचने के लिए तो इस वक्त मैं ये दूसरे पर्पज के लिए आपको शो कर रहा हूँ तो आप देखेंगे ये जो मास्क बनी है ये भी एक फाइबर की बनी हुई है फैब्रिक की बनी है और फैब्रिक में आप देखेंगे अंदर से इस मासक में ये देखिए जस्ट अ मिनट I'll explain it. Just a minute. ये देखेंगे आप ये ये देखिए ये, ये जो मासक है यहाँ पे एन नाइन्टी फाइव मास्क है या कोई भी मास्क है ये देखिए आप इसको अंदर से आप अब देखेंगे तो ये भी एक इसमें छोटे छोटे जो जो इसका ये फाइबर है वो फाइबर छोटे छोटे रेशे इसमें है देखिए ये देखिए ये, देखे। ये. ये 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 छोटे छोटे रेशो से बना हुआ है ये देखिए ये देखिए इसमें से छोटे छोटे रेशे निकल रहे हैं ये देखो ये 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 इसके अंदर आप झांक लीजिए ये छोटे छोटे रेशो से बना हुआ है और यहाँ पे मैं एक और चीज दिखाऊंगा ये ये ब्लैंकेट है यहाँ पे ये ब्लैंकेट ये इस ब्लैंकेट में भी एक छोटे छोटे आपको -चो ये रेशे निकल छोटे छोटे से दागे दिखाई दे रहे हैं कि बाल जैसे वाल हिक ना किक निक वाल ये बनेम बलेंकेट ये चबा ये दूसरी बलेंकेट में दिखाऊंगा ये देखिए ये देखिए इसमें से छोटे छोटे ये बाल नुा जो स्ट्रक्चर्स निकलते हैं बाल नु चीजें निकलते हैं तो ये मेरे हाथ में डस्टर है इसके ऊपर जो पीस ऑफ कलूद लगा है तो वो भी इसमें से आप देखेंगे देखिए छोटे छोटे बाल निकल रहे बाल जैसे निकल तो इन्हीं जो ये बाल नुमा चीजें हैं बाल नुमा ये चीज है जो इस पीस ऑफ कलूद से निकल रहे हैं तो इन्हीं को हम फाइबर कहते हैं तो व्हाट इज फाइबर फाइबर इज दिस थ्रेड, थ्रेड वेरी थिन 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 पतले ये बाल ऐसे ऐसे इस तरह के ये जो थिन थ्रेड थ्रेड को पन पन इस्तेमाल कर पान, पान, करना। पान दागा इसको हम अम लकट लकट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसे कि इस मासक में मैंने आपको दिखाया तो जितने भी जो क्लोदिंग है कपड़े हैं तो जो, जो जो थ्रेड होता है वो इन्हीं इन छोटे छोटे इन फाइबरों से इन इन बालनुमा स्ट्रक्चर से बना होता है जिनको हम फाइबर कहते है तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज फाइबर सो फाइबर व्हाट इज फाइबर फाइबर ए वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रेंड फ्रॉम विच क्लोथ इज मेड इज कॉल्ड फाइबर तो इन्हीं छोटी छोटी इन रेशों से हम फिर वो धागा बनता है फिर धागे से हम कपड़े बना कपड़ा बनाते हैं यानी कि क्लोथ बनाते हैं तो इसको इसी को हम फाइबर कहते हैं तो इन फाइबरों की वजह से देखिए इस रूम में भी, भी ये जो यहाँ पे पिलो कवर है कुछ यहाँ पे तो ये भी फाइबर से थ्रेड से बनी है तो और थ्रेड खुद की फाइबर से बना है तो ये ब्लैंकेट से यहाँ पे ये भी ऐसी थ्रेड और फाइबर से बना हुआ है ये ये क्लोद यहाँ पे है ये भी थ्रेड और फाइबर से बना हुआ है तो ये ये कर्टन से यहाँ पे ये भी थ्रेड और फाइबर से बने हुए हैं तो ये जो ये तो ऑलमोस्ट जितने भी ये कपड़े वगैरह हैं ये इसी फाइबर से ही बनता है देन इट इज फैब्रिक अभी हमने फाइबर डिस्कस किया फाइबर क्या चीज है तो अब हम देखेंगे ये uh, ये फाइबर क्या है फाइबर इज प्रोड्यूस्ड बाय वेविंग और निटिंग लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड कॉल्ड यॉन मेड फ्रॉम फाइबर्स अब इसी इसी जो ये जो फाइबर है ये सपोज फाइबर है इसी फाइबर को हम जब मिला के जो वो थ्रेड बनाते हैं ऐसे ऐसे इसको हम फिर कहेंगे फैब्रिक क्या कहेंगे फैब्रिक यानी कि वो फिर फैब्रिक से हम क्लोथ बनता है फैब्रिक यानी कि कपड़ा फाइबर से हम थ्रेड बनाएंगे थ्रेड से हम कपड़ा यानी कि फाइबर बनाएंगे फनाएंगे तो वो फाइबर वो चीज है जो इस थ्रेड से फिर हम बुनते हैं जैसे आपने देखा होगा कि थ्रेड को हम फिर मिल्स में ले जाते हैं फिर इसको हम बुनते हैं इस फाइबर को तब या, या वेव करते हैं बुनना या निट करते हैं नीट बुनना जैसे हम सिलाई करते हैं बनीान वन पे बनाना तथा फाइबर इस फैब्रिक क्लोथ पीस आफ क्लोथ सहु बना कई यारन यानी कि पन जगा एम स बनाना पे फाइबर गो गो टू फाइबर फाइबर बनावा इस फैब्रिक फैब्रिक यार्न यार्न से बनावा इस पर फैब्रिक यानी कि पीस सब क्लोज उस पर पत पत अशनिश वादा चो दैट इज कॉल्ड फैब्रिक गो गो फाइबर गो तुम लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स तो यह मत फैब्रिकस मांचा सा त्यौहार थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इस वेव करा इस वना इस तमन तमंपाद बनावा यार्न यार्न को पान यंके जना दागा उसी दागे से फिर फैब्रिक बनता है यंके जना कपड़ कप्र बनान पथ कप बना पुतलिफम डिजाड क्लोदिंग पर्ट आ बेंट आ जकेट आना कैप आनाट आ बा या पिलो कवर आकट आ बना बहु तथ वे फिक क्या गो फैब्रिक सो वी अंडरस्टैंड वट इज फाइबर एंड वट इज फैब्रिक ओके दिन वे विल सी फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स जो सोर्स होता है इनका जो ये फा, फाइबर का जो सोर्स होता है जो ये रेशे जब हम मिलते हैं ये हम दो सोर्स से मिलते हैं दो इनका जो दो चीजों से हम मिलते हैं इनका सोर्स दो सोर्स है वन इज प्लांट्स एंड एनिमल्स सो वी गेट फाइबर फ्रॉम मेनली फ्रॉम टू सोर्सेस दैट इज प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स सोर्स तो मेनली जो हमें इनके दो सोर्सेस हैं जहां से हमें ये फाइबर मिलता है एक तो प्लांट से मिलता है और एनिमल से मिलता है सो दीज फाइबर्स आर सोर्स इज प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स तो ऐसे फाइबर्स जो हमें कहाँ से मिलते हैं एक तो प्लांट सोर्स से मिलेगा या एनिमल सोर्स से मिलेगा तो इसको हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं यानी कि नेचुरली ये कुदरती तौर प्लांट्स से मिलता है और एनिमल से मिलता है तो अंडरस्टेंड सो so, नेचुरल फाइबर व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स नेचुरल फाइबर्स आर दोज फाइबर्स विच वी गेट नेचुरली फ्रॉम टू सोर्सेज दैट इज प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स ओके देर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स जो हमने पढ़ा प्लांट प्लांट फा, 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 फाइबर एंड एनिमल फाइबर आप इसके दो सोर्स बन गए एक तो है ए, प्लांट फाइबर दूसरा हो गया एनिमल फाइबर लेट्स सी व्हाट इज प्लांट फाइबर अब हम पहले देखेंगे एक एक करके इनको देखेंगे ये प्लांट फाइबर क्या होता है प्लांट फाइबर आर दोस फाइबर विच आर ओपटेनिड फ्रॉम प्लांट सोर्स वो फाइबर जो हमें कहा से मिलता है प्लांट सोर्स से मिलता है उसको हम प्लांट फाइबर कहते हैं मिसाल के तौर पर कॉटन कॉटन हमें प्लांट से मिलता है कॉटन प्लांट के प्लांट्स होते जूट जूट ये जूट इसको कहते हैं ये जिसकी ये चीज बनी हुई है ये मैट वैट बग, मैटिंग वगैरह बनती है आपको वो स्कूलों में हुआ करती थी वो ये देखिए ये ये ऊपर वाला ये इसका जो ये पार्ट है ये जूट के जूट का बना हुआ है तो ये जूट ये प्लांट से मिलता है तो झूठ इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सोर्स ऑफ प्लांट फाइबर देन इट इज़ कोकोनट फाइबर कोकोनट फाइबर हो कोकोनट मीन नारियल नारियल के ऊपर आपने वो देखे होंगे बाल जैसे उससे भी फाइबर बनता है जैसे यहां पे भी, इस, उस, यहां पे भी मैं दिखाऊंगा ये देखिए ये देखिए दिस इज कोकोनट फाइबर इसमें लगा हुआ है ये देखिए ये देखिए इसमें लगा, इस लगा हुआ है ये ये वाला फाइबर दिस इज कॉकोनट फाइबर कोकोनट ट्री से मिलता है तो ये भी प्लांट सोर्स का फाइबर है कोकोनट फाइबर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोकोनट फाइबर ये हो गया जूट फाइबर ये इसमें लगा है कोकोनट फाइबर ये हो गए एग्जांपल किसके प्लांट फाइबर्स के देन वी विल सी व्हाट आर एनिमल फाइबर्स एनिमल फाइबर्स आर दैट फाइबर्स विच आर ओबेनेड फ्रॉम एनिमल सोर्स तो वो फाइबर जो हमें जिनका सोर्स एनिमल है जानके, जो एनिमल से हमें वो फाइबर मिलता है उनको हम एनिमल फाइबर कहते हैं फॉर एग्जाम्पल सिलिक सिल्क के कपड़े आपने जो के वो देखे होंगे वो काफी रेशम के कपड़े जिसे हम कहते हैं काफी पतले होते हैं और काफी सॉफ्ट होते हैं और काफी कीमती भी होते हैं ये हमें एक, एक छोटी से एक कीड़े से मिलता है जिसे हम सिल्क वर्म कहते हैं। हैं जिसके जो खासकर मलबली चीज जो होते हैं उनका उसी पे वो पलते हैं यानी कि तूत के पेड़ों पे पलते हैं यमन इस वाना तुल कुल तुल पान तुम ज्यादा खेवान तो तमने पे सिलिक वर्म वापदान तो अमन च पा सो सिलिक ना तो अमनों पे सो आई सो सो फाइबर ना तो ता ताच बनावा पाते सिलिक

आपके घर में बेड वगैरह देखे होंगे आपने तो तम तमोप फाइबर मेलान नतान् पुलान्क जथ तथ बन पत फाइबर ग फायबर पत फरस वगर निटिंग क्रा ब क्या बनाना फब्रिक बनाना पे कप चर वनि चादर या गब् बनाना नमद्च्च्च बनाना या बैंक बनाना बी कपनी हाथ बन बी चीज गर्म थाना अब विंटरस मे तो यह फायबर कस वूल् फायबर अमुक सोर्स कस एनमल शीप वगैरह अत पे ये वूल य फाइबर हासिल कर सो टुडे वी ल फर्स्टली वे एक्सप्लेंड वट इज फाइबर एंड वट इज फैब्रिक फाइबर वेरी थिं थ्रेड लाइक स्ट्रेंड फ्राम विच क्लोथ इज मेड इज कॉल्ड फाइबर मैं आपको डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है अभी यहाँ पे तो इसका स्क्रीन शॉट भी मैं आपको आई विल अपलोड द स्क्रीन शॉट इन यूर वाट्स ग्रुप इन ऑर्डर टू यू कैन राइट डाउन इट इन योर एक्सरसाइज बुक तो उसके बाद ये फेब्रिक है फेबरिकोडिंग लॉन्ग ट्विस्ट थ्रेड कॉल्ड यार फाइबर से पहले वो दागे बनाते हैं लंबे लंबे दागे बनाते हैं तो फिर उस दागे को हम यानि यार्न कहते हैं फिर उस यारन से हम पीस ऑफ क्लोथ बनाते हैं कपड़ा बनाते हैं तो उसको हम Fiber is this fabric, okay. Then uh, we saw uh, there are two sources of uh, fibers, mainly there are two sources of fibers one is uh, from animal source and another is from uh, plant source, uh, they, and both the sources are natural sources. So, we call these two types of uh, 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 sources called uh, natural uh, fibers. The fibres which we obtain from plants and animals, we call them natural fibres. We call natural fibres. Then we learned plant one is plant fibre. Plant fibre is that fibre which is obtained from plant source such as cotton, jute, coconut fibre, etc. And then we saw uh, second type is uh, animal uh, fibre. And the fibres which are obtained from animal source uh, such as silk from silk worm and wool from sheep. This is called uh, animal fibre. Uh, so that is what we discussed today. Tomorrow we will uh, do uh, discuss uh, another topic regarding the same, uh, same main topic and. Uh, there is a one more type of uh, uh, fiber which we will discuss to tomorrow that is synthetic fiber and i will give you the valuable uh, information regarding that tomorrow and i hope you will uh, uh, keenly observe this vo video and uh, i will also upload the uh, screenshot in your whatsapp group and uh, you will write down it in your uh, exercise book, science exercise book, and we'll memorize it. Inshallah, we will meet tomorrow with uh, another topic. Till then, it is goodbye from me. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Be safe in your homes. Okay.